और आपको दिखाते हैं हाथरस से मिल रही हैं तस्वीरें, जहां पर पीड़ित परिवार वालों से राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, ये वो लोग हैं जिनके परिजन इस हादसे का शिकार हुए हैं और राहुल गांधी उनसे बात कर रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए, आप देख सकते हैं। तो ये बड़ा हादसा, जिस तरीके से हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से, जिस तरीके से करीब 120 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हो गई थी, उसमें आज पीड़ित परिवार वालों से मिलने के लिए पहुँचे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके साथ पार्टी के और भी नेता वहाँ पर मौजूद हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीड़ित परिवार वालों से राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। तो हाथरस की ये तस्वीरें, जहां पर सत्संग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। नारायण साकार हरि प्रवचन कर रहे थे, तभी वहां पर भगदड़ मचती है और भगदड़ मचने के बाद 120 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। कई लोग अभी भी घायल हैं और इस वक्त पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी। पीड़ित परिवार वालों से मिलकर वो उनका हाल पूछ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जिनके घर वाले इस हादसे में, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इससे पहले राहुल गांधी अलीगढ़ के पिलखना गांव भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की थी। ये दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग वहां पर, पार्टी के नेता भी राहुल गांधी से मिलने के लिए वहां पर मौजूद थे, जुटे हुए थे। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि भीड़ काफ़ी थी। अलीगढ़ और हाथरस की ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ के पिलखना गाँव में पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की और हाथरस में आप देख सकते हैं राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की है, जिन्होंने इस दुखद हादसे में, इस दर्दनाक हादसे में अपनों को खोया है। उनके दुख बांटने के लिए पहुंचे हैं कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस की ये तस्वीर, राहुल गांधी पीड़ित परिवार वालों के बीच में हैं। सत्संग में भगदड़ मचने की वजह से करीब 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और वहां पहुंचे हैं राहुल गांधी, मुलाकात कर रहे हैं। महिलाएं थी उनके, एक बार दर्शकों को बता दें मृतक महिलाओं के नामों की बात करें तो आशा देवी, मुन्नी देवी, ये महिलाएं थी जो हादसे में अपनी जान गंवा बैठी थी। इसमें राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मुन्नी देवी, ओमवती, आशा देवी, मुन्नी देवी, ओमवती, आपको ये बता दें कि ये तीन इन महिलाओं का परिवार है जिससे राहुल गांधी मिलते हुए आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ये हाथरस का विभव नगर दर्शक देख सकते हैं। तो उनका दुख और दर्द बांटते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अगर हम बात करें राहुल गांधी के यूपी के दौरे की, तो पहला ये दौरा है नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद या सांसद बनने के बाद। राहुल गांधी यहाँ नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार यहाँ पर आए हैं और एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात करते हुए आपको कैमरे में नज़र आएंगे, उनसे बातचीत करते हुए शोक संवेदना प्रकट करते हुए राहुल गांधी। और जानते हो कि आखिरकार हादसा क्यों हुआ, कैसे भगदड़ मची और उनकी उम्र कैसी थी, कब से बाबा से जुड़े हुए थे, और ये भी जानकारी ले रहे कि आखिरकार क्या कितनी भीड़ थी, क्या प्रशासन का फेलियर था या वह वॉलेंटियर का फेलियर था, ये बातचीत करते हुए आपको राहुल गांधी नजर आ जाएंगे। तो तस्वीरों में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी बात करते हुए, उनके साथ देखे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी हैं, कांग्रेस के लीडर भी आपको नजर आ जाएंगे जहां पर राहुल गांधी उनसे मिल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, वो आपके को तस्वीरों में नजर आएंगे, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो शोक संवेदना प्रकट करते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे थोड़ी देर पहले आपको याद होगा करीब 7:30 के आसपास राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे थे। अलीगढ़ में भी आपको बता दें कि जो मृतक परिवार हैं, मृतक परिवारों से मिले, उनको आश्वासन दिया, उनसे मुलाकात की और कहा कि वो उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, कि जो हादसे के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ अब वो आवाज़ उठाएंगे। वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये आगे बढ़े।